बच्चों, वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने संक्रामक रोग की रोकथाम के सिद्धांतों के बारे में सीखा। बीमारी से बचाव के दो तरीके हैं, एक सामान्य है और दूसरा विशिष्ट दृष्टिकोण है। बच्चों, क्या आप मुझे स्वस्थ और रोग मुक्त में अंतर बता सकते हैं? अगर हम स्वस्थ और रोग मुक्त दोनों को देखें तो ये उस व्यक्ति की स्थिति है जो सामान्य है। स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है, लेकिन रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है यदि वह अच्छी शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति में है। एक व्यक्ति को रोग मुक्त कहा जाता है यदि वह किसी विशेष बीमारी से पीड़ित या दूषित नहीं है। बच्चों, क्या आप मुझे स्वस्थ और रोग मुक्त होने के बीच कुछ और अंतर बता सकते हैं? खैर, स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ और ठीक होने की स्थिति है, जबकि रोग मुक्त शरीर के किसी भी भाग में असुविधा से रहित होने की अवस्था है। स्वस्थ रहना किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके पर्यावरण और सामाजिक कारकों पर भी निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी रोग से रहित होता है, लेकिन रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ भी हो सकता है और नहीं भी। एक स्वस्थ व्यक्ति सक्रिय होता है और आवश्यकता के अनुसार अपना कार्य करने में सक्षम होता है। एक रोग मुक्त व्यक्ति ऊर्जावान भी हो सकता है और नहीं भी। उनका प्रदर्शन व्यक्तिगत दृष्टिकोण या वातावरण पर निर्भर हो सकता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वस्थ और रोग मुक्त दोनों ही स्थितियों की अलग अलग स्थिति है। अब ये पता लगाने का समय है कि आप मुझे रोग मुक्त और स्वस्थ के बीच कुछ और अंतर बता सकते हैं। इस वीडियो में हमने स्वस्थ और रोग मुक्त के बीच के अंतर के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डायर्ज कैसा दिखता है। धन्यवाद।